हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल छोले भटूरे, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही इजीली बन जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भटूरे का डो बनाने के लिए हमें चाहिए 700 ग्राम मैदा, 50 ग्राम दही, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा पानी, आधा चम्मच नमक और 1 इनो का पैकेट। अब सबसे पहले हम मैदे में इनो डाल देंगे, बेकिंग पाउडर, ऑयल, सॉल्ट और इन सबको अब हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दही डाल देंगे और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे और ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बना लेंगे। हमारा डो तैयार हो चुका है, इसमें हमने बिल्कुल भी गूंदी नहीं लगाई। हमें डो को ना ज़्यादा टाइट रखना है और ना ज़्यादा ढीला रखना है। अब हम इसे एक बर्तन में डाल के इसके ऊपर कॉटन का गीला कपड़ा लगा देंगे और इसे 3 घंटे के लिए रख देंगे। छोले बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम छोले, जिसे हमने रात को भिगो दिया था, 1 बड़ी कटी हुई प्याज, थोड़ा सा कद्दूकस करा हुआ अदरक, आधा छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच चाय पत्ती, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 2 चॉप किए हुए टमाटर, थोड़ी सी धनिया चॉप की हुई। गरम मसाले में हमने लिए हैं 2 तेज पत्ते, जिसके हमने टुकड़े कर लिए हैं, 1 छोटी चम्मच जीरा, आधा स्टार, 6 लौंग, 2 जावित्री, 2 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 छोटी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च और 2 लाल मिर्च, 100 ग्राम पनीर, 2 पिंच बेकिंग सोडा और नमक हम स्वाद अनुसार यूज करेंगे, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। गरम मसाले को हम हाफ भून के पीस लेंगे और हाफ बॉईल करने में यूज करेंगे। सबसे पहले हमने कुकर में 2.5 ग्लास जितना पानी डाला है, इसमें हम छोले डाल देंगे। बेकिंग सोडा डाल देंगे और 2 तेज पत्ते डाल देंगे। और आधा चम्मच जितना हमने नमक डाला है आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और 1 चम्मच हम तेल डालेंगे इसमें। और इसलिए हमने गरम मसाले के पोटली में बांध लिया था, जो हमने आधा गरम मसाला अलग कर लिया था उसे पोटली में बांध लिया था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और चाय पत्ती को भी हमने पोटली में बांध लिया था, इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि हमारे छोले का कलर काला हो। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 10 सीटी आने तक इसे पकने देंगे और 5 मिनट फिर हम उसे सीम में पकाएंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। एक साइड लो फ्लेम में जब तक हमारे छोले पक रहे हैं,
तब तक हम उसके मसाले की तैयारी कर लेंगे। एक कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे, फिर हम उसमें पनीर के क्यूब्स डालेंगे। और इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। हमारा पनीर हल्का हल्का फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब जिस ऑयल में हमने पनीर फ्राई किया था उसी में हम छोले का मसाला भी फ्राई कर लेंगे। इसमें हम पहले प्याज डाल देंगे और प्याज को थोड़ा फ्राई होने देंगे। अब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे हल्का सा फ्राई करके इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। हल्दी, धनिया पाउडर, और टमाटर अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे भूनने देंगे थोड़ी देर। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है तब तक हम हमारे छोले चेक कर लेंगे। हमारे छोले अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और इसमें कालापन भी आ गया, आप देख सकते हैं। अब हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और गरम मसाला डाल देंगे जो हमने पीसा था, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें हमारे बॉईल किए हुए छोले डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, करीबन आधा ग्लास, और इसे 2 मिनट पकने देंगे हम। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे जिसे हमने फ्राई किया था, हम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे इसमें से गार्निशिंग के लिए, और इसमें धनिया डाल देंगे हम। अब हमारे छोले बन चुके हैं, अब हम इसके ऊपर के तड़के की तैयारी करेंगे। छोक के लिए हमने एक पैन में 1 चम्मच जितना बटर लिया है, क्योंकि पंजाबी डिश हो और उसमें बटर ना हो ऐसा इम्पॉसिबल है। बटर को बिल्कुल हल्का सा गर्म करने पर ही हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे, हमें बटर को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब हम इसमें अदरक डाल देंगे जैसे हमने कद्दूकस किया था। अब गैस बंद करके अब हम इस छोक को छोले में डाल देंगे। तीन घंटे हो चुके हैं, अब हम हमारा डो देख लेंगे। ये अच्छे से फूल के ऊपर आ गया है। अब हम इसमें थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। हमने आटे का पेड़ा बना लिया है, अब हम इसे बेलेंगे। हमने आधे पनीर को कद्दूकस कर लिया था और उसके साथ कटी हुई धनिया मिक्स कर दी है, वो हम इसके अंदर फिल करेंगे।
इससे हमारे भटूरे का स्वाद और बढ़ जाएगा। इसे अच्छे से कवर करके उसका गोला बना लेंगे। और इसमें थोड़ा आटा लगाएंगे और इसे अच्छे से बेल लेंगे। हमारा भटूरा बेल चुका है, अब हम इसे तल लेंगे। हमने एक कढ़ाई में पहले से ही तेल गरम होने रख दिया था, अब हम इसमें भटूरा डालेंगे और इसे तल लेंगे। हमारा भटूरा बढ़िया तरीके से फूल चुका है, अब हम इसे पलट लेंगे और इसे ऐसे ही दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमारा भटूरा तल चुका है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ऐसे ही एक एक करके हम हमारे सारे भटूरे तल लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल छोले भटूरे तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अपने कमेंट भी हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।